पहले घूंघट नहीं था हमारे यहां, ये घूंघट प्रथा तो जो इस्लामिक आक्रांता जब आए तब से घूंघट शुरू हुआ है भारतवर्ष में। उसके पहले घूंघट घूंघट कुछ नहीं था हमारे यहां। इतना इतना वैशिष्ट था ज्ञान का कि घूंघट हमारे यहां कभी नहीं रहा। हमारे यहां का ये है ही नहीं है वेल, ये हमारे यहां का नहीं है, ये विदेशियों से आई हुई चीज है। हमारे यहां घूंघट की जरूरत ही नहीं थी। सभी लोगों में इतना शीत था कि कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब विदेशी आक्रांता ये आए, इस्लामिक आक्रांता जब आए, तो इन्होंने यहां आकर देखा कि यहां तो इतने सुंदर सुंदर लोग रहते हैं और इनमें कोई ये नहीं है। तो वो लोग हमारी बहू बेटियों को जो आते थे कभी छुप छुप के उठा उठा के ले जाते थे बच्चियों, तो उनसे बचने के लिए कपड़ा ढकना शुरू किया उनसे बचने के लिए। आप चाहें तो इतिहास में इसको पढ़ सकते हैं। हमारे यहां पहले सर पे पल्ला आज भी रखने का नियम है, और सर पे पल्ला अगर नहीं है तो शास्त्रीय दृष्टि में उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, शास्त्र की दृष्टि में। क्यों? क्योंकि सर पे कपड़ा रखना एक वैज्ञानिक तथ्य और वैज्ञानिक आधार है। जिसके सर पे कपड़ा नहीं है या शिखा नहीं है या बंधन नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल मान के चलना। खास तौर से जब हम राजस्थान आदि में कथा करते हैं तो इस बात के लिए देखकर आनंद आ जाता है कि वहां ऐसा कोई सर ही नहीं होता जो खुला हो, ऐसा कोई सर ही नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि यह चीज वैसे तो दूसरी दृष्टि में देखी जाए, मगर एक बड़ी दृष्टि क्या है? बड़ी दृष्टि यह है कि ये जो एरिया है, ये जो सर का ये एरिया है, इस पर कपड़ा इसलिए रखा जाता है, खास तौर से कॉटन, कॉटन या फिर क्या बोलते हैं उसको, रेशम, मलमल। क्यों? क्योंकि यहां से ऊर्जा बाहर निकलती है, इस जगह से ऊर्जा बाहर निकलती है, और जब कपड़ा इस पे रखा होता है तो वो कुचालक हो जाता है। पढ़ा होगा हमने कुचालक और सुचालक, है ना? तो वो क्या करता है, ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देता। और स्त्री 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 शरीर से ऊर्जा बहुत तेज निकलती है, बहुत तेज निकलती है, तो उसको बांधा गया है। इसलिए हमारे यहां स्त्रियों को गहने दिए गए हैं। गहने वो इसके लिए नहीं है कि आप श्रृंगार है, श्रृंगार तो वो हो ही गया, लेकिन ऊर्जा केंद्रों को बांध दिया गया, चाहे वो नाक से बांध दिया गया, कान से बांध दिया गया, यहां से बांध दिया गया, यहां से बांध दिया गया, करधनी से बांध दिया गया, बिछुओं से बांध दिया गया, पाजेब से बांध दिया गया, गले से, ऊर्जा को बांध दिया। ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हमारे यहां ज्वेलरी पहनाई गई। आजकल लोग सोचते हैं कि हमने आर्टिफिशियल, जो जो दूसरे, अगर वो धातु नहीं है, सोना चांदी नहीं है और आर्टिफिशियल चीजें हैं, तो आप ये समझ लेना वो सिर्फ दिखने की है, उनसे कुछ फायदा नहीं है। हालांकि आज की तारीख में फायदा कौन सोचता है, आजकल तो दिखने दिखाने का जमाना है। पहले हम लोग एक भजन गाते थे कि शाम चूड़ी बेचने आया, है ना, गाते थे ना, अब ना चूड़ी कोई पहनता ना शाम बेचने आता। माताओं ने सोचा चूड़ियां पहनना तो गंवारों का काम है, कौन पहने। लेकिन चूड़ी पहनना इतना वैज्ञानिक कार्यक्रम था कि हम आपसे क्या कह दें, क्योंकि जब स्त्री चूड़ी पहनती है, पहले मर्यादा होती थी, उसके कई कारण होते थे। तो एक तो चूड़ी, भरी हुई चूड़ियां अपने आप में इतना सौंदर्य देती हैं कि जिसके बारे में क्या कहते हैं। दूसरा, उनकी जो खनक होती है उससे ऊर्जा बनती है, उससे एनर्जी बनती है, और सबसे पहले उस एनर्जी का लाभ जो चूड़ी पहना हुआ है उसको मिलता है। दूसरा, उस चूड़ी की खनक से यह पता पड़ता था कि किस घर के किस एरिया में स्त्रियां बैठी हैं, जिससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहता था। और तीसरी में फिर तीसरा जो पहला कारण उसको फिर तीसरा कारण बोलूंगा कि चूड़ी पहनने से उसकी खनक से जो ऊर्जा बनती है वो किसी चीज से नहीं बन सकती,
देखिए, सनातन हिंदू संस्कृति की सबसे अच्छी बात यह है कि हम और आप जितने पंथ देखते हैं, चाहे वो सिख पंथ हो या दूसरा पंथ हो या अन्य पंथ हो, सब सनातन हिंदू संस्कृति से ही अंग बने हैं। सबने कुछ कुछ अपनाया, लेकिन मैं सिख परंपरा में जिन्होंने पग अपनाई और वहां एक भी माता कभी भी गुरुद्वारे में आपको नंगे सर नहीं दिख सकते। जो परिवार, जो समाज अपने धर्म के ऊपर चलेगा, वो समाज हमेशा बढ़ेगा, वो समाज हमेशा मजबूत होगा।